26 का आंसर मुझे देख के समझ में आता है, इट इज 1.5 ईयर। आपको भी मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूं कि आप लर्न कर ले, क्या लर्न कर ले, 8,092,61 टाइम 3 ईयर्स, रेट 5%। क्या आपने लर्न कर लिया? अगर प्रिंसिपल 8,000 है, अमाउंट 9,261 होता है, टाइम 3 ईयर्स, रेट 5% है, आप बोलोगे कि ये 10% है ही नहीं, है ना? ये एन्युअली, और कभी अभी सेमी एन्युअली बोलेगा तो यही फिगर होंगे 8,092,61। तो 3 ईयर्स की जगह ये हो जाएगा 1.5 ईयर, और यहाँ पर हो जाएगा 10%। अब ध्यान से सुनना, जब भी बोलता है सेमी एन्युअली, हम क्या करते हैं, टाइम इंटू टू, रेट डिवाइड बाय टू, देखो इतना ही आ जाएगा। और 800,092,61 हमारा 8,000 है ना, 800 है, तो यहाँ अगर 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 800 होगा तो 926.1 आएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि लर्न कर लीजिए ये, क्योंकि कभी कभी बोलता है प्रिंसिपल निकालो, कभी बोलता है अमाउंट निकालो, कभी बोलता है रेट निकालो, कभी बोलता है टाइम निकालो, सब कुछ कुछ भी आ सकता है, कभी बोलेगा सीआई, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। डिटेल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में पढ़ा दूंगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आए कि मान लीजिए आपको सॉल्व करना ही है, आपको फाइंड करना है टाइम, स्टार्ट कहाँ से करना, ए अपॉन पी, ए क्या है 926.1 डिवाइडेड बाय पी, क्लियर? तो एक डेसिमल हटाया, एक जीरो लगाया, या तो दोनों का एक एक डेसिमल हटा दिया, ए अपॉन पी क्या आ जाएगा, एक डेसिमल हटाओगे इसका तो एक जीरो जीरो ऊपर लगा दोगे। ए अपॉन पी करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, फर्दर नहीं कट रहा है, तो उसने क्या दिया है, हाउ मेनी इयर्स, है ना? तो टाइम तो हमें फाइंड करना है, रेट क्या दिया है, 10%, सेमी एडिली 10%, तो आपको मालूम है टाइम को मैं लूंगा एच और रेट को लूंगा 10, और आपको पता है कि सेमी एडिली में टाइम इंटू टू, रेट डिवाइड बाई टू, रेट हो जाएगा 5%। 5% क्या होता है, 21/20, हाँ, और टाइम कितना, 2x। आपको मालूम है 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब, तो मतलब कि ये किसके इक्वल है, 21/20 the whole cube, और 21/20 power 2x है, इसका मतलब 2x equals to 3, इसका मतलब x equals to 3/2, that is equals to 1.5। ठीक है, ये टाइम निकालने का मेथड है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको और बहुत सारी चीजें समझा दी है। क्वेश्चन नंबर टू, 100 मीटर की रेस है, कमल ने बिमल को डिफीट किया 5 सेकेंड से, कमल की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, हम लोग इसको 5/18 कर दें तो ये हो जाएगी इसकी स्पीड कितनी, 5 मीटर्स पर सेकेंड। हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, स्पीड भी मालूम है, क्या नहीं पता है, टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 100 मीटर और उसकी स्पीड है 5। 20 सेकेंड्स में कमल ने रेस कंप्लीट कर ली, बिमल को कितने समय में हराया, 5 सेकेंड्स, इसका मतलब बिमल को कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड प्लस 5, 25 सेकेंड्स लग रहे हैं इसी रेस को कंप्लीट करने में। अब हमें चाहिए विमल की स्पीड, तो विमल की स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टाइम कितना है 25 सेकेंड्स, है ना? ये तो कट गया 4 बार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो मीटर पर सेकेंड है, हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो क्या करते हैं, याद है 18/5 से, ठीक है? अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, हाँ, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं,
ये डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25 है ना, आप 4 by 4 मल्टीप्लाई कर लो, उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर क्या हो गया, ये 4 4 16, 16 into 18 मल्टीप्लाई कर दो, 16 into 18 कितना आ रहा, 8 6 48, 8 4 14 18, 8 carry 1 1 1 2 88। कुछ कहीं सिली मिस्टेक हो गया क्या? पर फिर से देखे जरा, टाइम चाहिए किसका, कमल का। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकाला था हमने 18 किलोमीटर पर 18 को, 18 किलोमीटर, किलोमीटर को 5 by 18 करते, 18 18 कर इसका। कमल ने डिफीट किया है 5 सेकेंड से। जीता कौन है, कमल। कमल को कितना टाइम लगा, कम क्यों लगेगा, कम लगता तो जीत नहीं जाता। जीता तो कमल ही है, बिमल की स्पीड पर 5 8 स्पीड की बात नहीं कर रहे हम लोग, टाइम की बात कर रहे हैं। 5 सेकेंड, जो जीतता उसको कम समय लगता कि ज्यादा समय, कम, इसको कम समय लगा। विमल तो हारा है 100 मीटर की रेस में, उसको 5 सेकेंड ज्यादा लगे। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं, और कुछ अगर कहीं पे गलती पकड़ में आए तो बताना। फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है स्पीड किसकी, कमल की। स्पीड होता है, हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर की रेस थी, इसकी स्पीड तो 5 ही थी, 5 20 बार कट गया, तो इसको 20 सेकेंड लगे, तो इसको 25 सेकेंड लगे। 25 ये 4 बार कट गया। अरे ये 5 मैंने जबरदस्ती 5 लिख दिया ना, ये मैंने 5 लिख दिया ना, 25 1 जा 25 4 जा कट रहा है। आप समझ गए ना, हाँ गलती यहां हो गई मेरे लिखने में। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हाँ, और कोई मिस्टेक नहीं है, वो हमने गलत लिख दिया ना, इसलिए आंसर हमारा गलत आ गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टोटल डिस्टेंस दिया है और कमल की स्पीड, कमल की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। उसको 5 by 18 करेंगे तो कमल की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए कमल का टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर की रेस थी, स्पीड है कमल की 5, इसका आएगा 20 सेकेंड्स। कमल को लगा 20 सेकेंड्स, हारा कौन, विमल, तो विमल को लगेगा 5 सेकेंड ज्यादा, 25 सेकेंड्स। हमें चाहिए विमल की स्पीड। विमल की स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दो, ये 100 मीटर की रेस, टाइम कितना, 25 सेकेंड, 25 1 जा 25 4 जा, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, क्या करेंगे, 18 by 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सेकेंड था, उसको अपन 5 समझ रहे थे, ठीक है। चलिए अब क्या करें मालूम है, 2 by 2 कर दो, इससे क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 8 18 8 जा 144, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मतलब 1 डेसिमल लग जाएगा, 14.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, वो 25 सेकेंड लिखा था ना, उसको वो 5 जैसा दिख रहा था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, मैन भी वॉकिंग है, मैन की स्पीड इतनी है, 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको मालूम है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमेशा ऐड होती है, ऑपोजिट में ऐड होती है, तो ऑपोजिट में ऐड होगी तो ट्रेन की स्पीड और ये मैन की स्पीड है ना। लेकिन याद रखना किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड जो है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 25
240 मीटर है ना, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है लेकिन मैन में तो होता नहीं, तो इसको 240 मीटर, टाइम कितना 10 सेकेंड्स है ना। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो किलोमीटर पर आवर में है, राइट हैंड साइड मीटर पर सेकेंड में है, इसको क्या करना 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप 2/2 कर दो तो ये क्या हो गया 18 × 2 = 36, 24 × 36 डिवाइड बाय 10 कर लेना है ना, 24 × 36, 24 4 carry 2 12 12 24 26 6 carry 2, ये 8 86 8 64 8 64 डिवाइडेड बाय 10 86.4 क्या है ये 86.4 x plus 3 is 86.4, 3 यहां जाकर माइनस आ जाएगा, आपका आंसर 83.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना, इजी है। अलोंग द स्ट्रीम मतलब बी प्लस सी, स्ट्रीम धारा के साथ में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर, मैं दोनों साइड 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12 × 5 = 60 मिनट, 60 मिनट्स मतलब एक घंटे में कितना 12 किलोमीटर, एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर करता वही उसकी स्पीड होती है। ठीक है, अब बोल रहा है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब बी माइनस सी, एक घंटे में सिक्स यही इसकी स्पीड है, हमको क्या चाहिए स्ट्रीम की स्पीड, आपको मालूम है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो आंसर, बोट की चीज स्पीड चाहिए तो ऐड करके आधा कर दो, करंट की स्पीड चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो है ना, आंसर आ गया। और ये स्पीड जो है हमने निकाली, 1 आवर का निकाल लो वही उसकी स्पीड होती, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज द स्पीड, फॉर्मूले से भी कर सकते थे लेकिन जरूरत कहां है, ए जो है 1/3 वर्क 5 डेज में करता है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे मतलब पूरा काम 15 डेज में कर रहा है ए, बी 2/5 वर्क 10 डेज में, दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट के टोटल वर्क बनेगा कितना 25 डेज में, ए अकेले पूरा काम 15 डेज में, बी अलोन 25 डेज में, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर, इन दोनों का एलसीएम 75, 5 जा 3 जा, दोनों अगर मिलके साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 8 बॉक्स बनाएंगे, 75 कितनी देर में बनाएंगे 75/8 है ना, तो देखो ये 8 9 जा 72, 72 + 3 = 75/8 आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आराम आराम से करो समझ समझ के, देखिए अनदर क्वेश्चन, ये जो है मैन डेज आर्क्स वाला जो गिवन होता है उसको नीचे लिखते हैं, 7 men 12 days में किसी काम को करते हैं, मैन डेज वर्क हो गया ये, हाउ मेनी एडिशनल मैन, अब थोड़ी देर के लिए एडिशनल भूल जा, हम निकालेंगे हाउ मेनी मैन, कितने आदमी लगेंगे 8 डेज में उसका डबल काम करने, अगर पहले एक करते थे तो अब 2 करना है, एडिशनल बाद में निकालेंगे, अभी निकाल ले हाउ मेनी मैन, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 कटेगा 2 4 जा 4 कटेगा 3 जा, तो 7 3 जा 21, एक्स इक्वल्स टू 21, पहले कितने आदमी थे 7, अब 21 लग रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा माइनस कर लो 14 एक्स्ट्रा, तो एडिशनल है ना, अपन लास्ट में माइनस कर लेंगे, यहां में मत करना बेकार में वर्किंग लेंथी हो जाएगी, 1 pipe is 3 times faster, 2 pipe है ए और बी, हम बोल रहे हैं ए थ्री टाइम्स फास्टर है, इसका मतलब जितने देर में बी 1 लीटर भरता है ये 3 लीटर भर देता है, राइट, The two pipes can fill the empty tank in 36 minutes.
अगर दोनों को साथ में चालू किया, ये 3 लीटर ये 1 लीटर दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं। बोल रहा है 36 मिनट्स में टंकी भर गई। 36 × 4 कितना होता है? 144। 144 लीटर की टंकी थी। बोलता है हाउ मच टाइम विल द स्लोवर पाइप, स्लोवर पाइप 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, 144 मिनट में 144 लीटर भरेगा। अब 144 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटे, मतलब 120 मिनट्स प्लस 24 मिनट हो गया 144। कन्वर्ट कर दिया है ना, ऑप्शन से देख लिया। क्वेश्चन नंबर 33 इक्वेशन बना के किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा आप ऑप्शन से करें। पहले क्वेश्चन समझो, जितने करेक्ट हैं, करेक्ट के 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के 1 मार्क कटते हैं। टोटल उसने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको मिले 200 मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन से करना है कि करेक्ट कितने किए। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से कर रहे हैं आंसर समझाने के लिए। अगर 80 क्वेश्चन सही किए, 84 × 3 20 मार्क्स मिल गए उसको। अगर 80 सही किए, इसका मतलब कि 120 गलत किए, 120 गलत किए तो 120 मार्क्स कट गए। 320 से 120 कटे, 200 आ रहा है ना। यस, करेक्ट ऑप्शन। नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेना, ये ऑप्शन वाला मेथड। और अगर आप इक्वेशन बनाना चाहो तो मान लो कि एक्स क्वेश्चंस करेक्ट हैं, करेक्ट के 4 मार्क्स मिले, तो गलत कितने हैं? 200 − x, इसके 1 नंबर कट गए और ये टोटल जो मार्क्स मिले 200, आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन से मैंने समझा दिया आपको, इसके +4, इसके -1। एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 1, 3, 5 कहां था? 99। याद है एवरेज का शॉर्टकट? a + l/2 खत्म। 99 + 1 100 का आधा 50। देख लीजिए, ये ट्रिक्स नहीं बनेगी तो हम सॉल्व ही करते रह जाएंगे, है ना। कितना इजी, ऐसे ओरल ओरल आंसर निकल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता ए की इनकम है बी से 25% कम। बी की 100 है तो इसकी 75। अब पूछ रहा है कि बी ए की इनकम ए से कितनी ज्यादा है? बी की इनकम 25 रुपीज ज्यादा है। किससे? ए से, जिससे कंपेयर करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ये 1/3, 1/3 मतलब 33, 1/3%। कितनी वर्किंग किया मैंने, देखो जरा, इतनी सी वर्किंग। 36 e² a² b² आपको मालूम है ये एक फॉर्मूला होता है, n × n+1, 2n + 1/6 फॉर्मूला है। n क्या है यहाँ? 10। बस याद रखना, 1 से ही शुरू होना चाहिए, फॉर्मूला ही है ये। तो n की जगह 6 रख दीजिए, n 10 है ना, 10 रख दीजिए। 10 × 11 × 21/6, 2 से काट दो इसको, 2 × 3 = 5, पर ये कट जाएगा कितने बार? 7 बार। 55 × 7 मल्टीप्लाई कर, आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला मालूम है वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 एक नंबर सीरीज है, आपने देखा 4 increase, 5 increase, 6 increase, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7 increase, है ना? बोलता है सिक्स्थ टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 7 और 8 15, इसमें 15 प्लस कर दो आंसर, राइट? इसको एपी समझ लो, चाहे नंबर सीधी। सिक्स्थ चाहिए था तो हमने ऐसे ही निकाल लिया, वो 20, 30 बोलता तो फिर एपी का फॉर्मूला लगा देते अपन, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? 2
अच्छा ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये स्पेशल सीरीज है। हाँ दो नंबर हैं 7:11 के रेशियो में, 7x 11x बोल दीजिए। इफ 7 इज एडेड टू बोथ न्यू रेशियो इज 2:3। फाइंड द स्मॉलर नंबर, याद रखना फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या था? 7x, 7 के टेबल में। तो जो भी 7 के टेबल वाला होगा वही आंसर हो सकता है। ट्रिक बता रहा हूं ऑप्शन से चेक करने का, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ऑप्शन से चेक करने का तरीका ये है कि छोटा नंबर 7 के टेबल वाला होगा। आप 49 रख के देख लो, 49 रखने के लिए एक्स क्या लगाएंगे अपन? 7, है ना। तो ओरिजिनल नंबर 7 7 जा 49, तो यहाँ 11 7 जा 77, दोनों में 7 प्लस करना है, ये कितना बच गया? 56, और ये कितना हो गया? 84। कटेगा किससे? 28 से, 28 2 जा 28 3, आ गया 2:3। ऑप्शन इज करेक्ट, इससे आंसर आ गया। तो नहीं तो इक्वेशन तो बना ही दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम होगी, 1 - 1/3 2/3, इसका आंसर 3/4। आपने नोटिस किया डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा, न्यूमरेटर एक कम, इसमें क्या आएगा? 4/5। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिनोमिनेटर सेम ऊपर एक कम, राइट। ये ऐसे क्रॉस में कट रहे हैं, ये 2 बचा न्यूमरेटर में, 25 बचा डिनोमिनेटर में। ये ट्रिक है इसकी, जिसे ये ट्रिक मालूम है सॉल्व कर लिया, नहीं तो आपको लगता है कि कंपटीशन में बन जाएगा, कैसे बनेगा, है ना। एक बार तो अपने को समझना पड़ेगा। देखिए अपन एक बोलता है एक नंबर जो है उसको 136 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 36 आता है, और उसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि जो फर्स्ट वाले को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचा है उसी को 17 से डिवाइड करो, 17 2 34, रिमाइंडर 2 आंसर आ गया। ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो आपको फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा, उसको फिर 17 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट वाले के रिमाइंडर से ही 17 को डिवाइड कर दो, 17 2 34, रिमाइंडर 2, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे आप कर ले। ध्यान से यहां देखना, सबसे पहले ये एक्स की पावर क्या है? -3/5। मैं तो बोल रहा हूं एक्स भी मत लिखो, पावर लिखो बस। ये सबसे पहले क्या है? -3/5। उसके बाद ये क्या है? फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5। उसके बाद क्या है पावर? -5/3। उसके बाद पावर क्या है? 5 है ना, ये 5, बस खत्म। ये सब पावर का पावर का पावर क्या होता? मल्टीप्लाई, 2 5 ऊपर से, 2 5 नीचे से मल्टीप्लाई कट गए, 3 3 कट गए, माइनस का माइनस, प्लस 1 प्लस 1, खत्म, एक्स की पावर 1। हाँ कंसेप्ट क्लियर हो तो देखो कैसे आसानी से हमने किया। बोलता 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, 2 डिजिट नंबर को रिपीट करना है, मतलब अगर 15 है तो एक और 15 लेगा, 37 है तो एक और 37। बोल रहा किससे डिवाइड करेंगे? 7 से चेक करना नहीं जा रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है, 101 से जाएगा। ऑप्शन से कर लो, और कोई ट्रिक नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनाते रहते हैं लोग। देखो ये क्वेश्चन नंबर 43, अब क्या करूं मालूम है? 10 की पावर, हर चीज को 10 की पावर, किसकी पावर में लिख रहे हैं? 10 की पावर। ध्यान से देखना ये क्या होता है, 10 की पावर -1, ये 1/10 ना, ये क्या 1/100, 10 की पावर -2, है ना, ये क्या है 10 की पावर -3, और ये क्या है 10 की पावर 7 +7। 7 में से 6 गया, बचा 1, 10 की पावर 1, आंसर 10। देखो कैसे कर दिया अपन ने,
बेस पकड़ लो, इन सब में एक चीज कॉमन है, 10 की पावर। बस पावर्स को सॉल्व कर लिया अपन ने ऐसे बड़े आराम से, घर जाकर इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। अब देखिए दिया ये है और चाहिए ये, हमें चाहिए पी क्यू प्लस वन बाय, ये कब आएगा मालूम है? ये तब आएगा जब हमारे पास पी प्लस वन बाय टू पी होगा और उसका होल क्यूब करेंगे तब ये आएगा। ये पी का क्यूब, ये पी क्यूब और टू पी का क्यूब एक, लेकिन हमारे पास पी और वन बाय टू पी तो है, क्या करें? पूरे क्वेश्चन को टू से क्या कर दें, टू से डिवाइड कर दें, पूरे को टू से डिवाइड, इसको भी टू से डिवाइड, इसका टू से डिवाइड मतलब अपॉन और ये भी अपॉन। इस पूरे को टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, पी, यहाँ क्या बचेगा, वन बाई टू पी, और ये क्या हो गया, टू, बस खत्म। पी प्लस वन बाई टू पी टू है, अब क्या करेंगे दोनों साइड क्यूब है ना, तो इसको ध्यान से देखना, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो हमको चाहिए। आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री इंटू ए इंटू बी, हाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू का क्यूब ए, समझ गए? आपको मालूम है p प्लस वन बाय टू पी का वैल्यू टू, इस पूरे का वैल्यू टू, p से p कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल, क्या बचाइए प्लस थ्री, प्लस थ्री वहां जाकर माइनस थ्री, किसका आंसर आ गया फाइव। देखिए इसका वैल्यू फाइव, इसको छोड़ के बाकी सब सॉल्व कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, बोलता पी और क्यू क्या है, डिजिट्स। क्यू का मैक्सिमम वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, 9 प्लस 7 16, 16 और 8 24, 4 कैरी 2, इस पी को भी छोड़ दो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस क्यू, पी प्लस क्यू प्लस 4 मिलाकर क्या आ रहा है 1, अब 1 तो हो नहीं सकता, 11 आया होगा तभी तो 1 कैरी होके आगे चला गया। P प्लस क्यू प्लस 4 मतलब P प्लस क्यू इक्वल्स टू 4 यहाँ जाएगा तो मैक्सिमम इन दोनों का सम 7 आएगा। बोलता Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर P का वैल्यू 0 हो जाएगा तो Q का वैल्यू मैक्सिमम 7 हो सकता है, नहीं तो उससे कम ही आएगा, मैक्सिमम 7 हो सकता है, मिनिमम तो मिनिमम जीरो हो सकता है, इसको जीरो, ये सेवन, ये जीरो है ना, और भी बहुत सारे वैल्यूज, इन दोनों का सम सेवन है ना, जीरो सेवन वन सिक्स, ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। 46 में बोलता है लीस्ट, सबसे छोटा, इन सब में वन वन का डिफरेंस है, नोट किया आपने, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सब में वन का डिफरेंस है, एक पैटर्न है, आपको पता हो तो पैटर्न पढ़ाया था मैंने, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो ये जमा हुआ है, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा, एक ही बार में आंसर आ गया, बड़ा पूछे छोटा पूछे जो पूछे सब, ये पैटर्न है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है फिक्स होता है, और इस पैटर्न की बात कर रहा हूं, जब न्यूमरेटर छोटा हो, सिर्फ न्यूमरेटर से जमा लो जम गया, ठीक है, बाकी डिटेल में तो पैटर्न में देख लेते हैं। इसके सॉल्व 47 को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ये जो क्या है, क्या है ये 0.27 बार, इसका आंसर क्या होता मालूम, 27/99, याद, बार लगाया ना तो न्यूमरेटर सेम लिखो, डिनोमिनेटर में जितने बार है उतने 9 लिखो, क्या ये कट रहा है, 9 3 9 11। अब ये वन भी तो था प्लस वन, तो 3/11 प्लस वन, एलसीएम लोगे 11 3 + 3 14/18, कितने आसानी से निकाल लिया, 1.27 बार को हम लिखेंगे 1 + 0.27 बार, तो 0.27 को अलग कर लिया, 1 को फिर प्लस कर लेंगे बाद में एलसीएम लेकर,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट है, हम क्वेश्चन देखते हैं एक करके। बोलता फुटबॉल पे 9,000 खर्च हो रहा है, हाउ मच मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन फुटबॉल। हॉकी पे फुटबॉल से कितना अधिक खर्च होगा? पहले बताओ फुटबॉल पे कितना खर्च हो रहा है, 9,000, और फुटबॉल का कितना डिग्री है, 45 डिग्री, 45 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आ गया, 9,000 रुपए फुटबॉल पे, फुटबॉल 45 डिग्री, 45 से डिवाइड किया 1 डिग्री। हमको क्या चाहिए, हॉकी और फुटबॉल का डिफरेंस कितना, हॉकी और फुटबॉल का डिफरेंस कितना है, 55 डिग्री, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिग्री था, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 डिग्री, ये कटेगा कितना, 20 बार, ये आंसर आ गया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, समझ में आया ना, 9,000 रुपीज 45 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आ गया, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितना ज्यादा खर्च हो रहा, डिफरेंस 55 डिग्री, उसका वैल्यू निकाल लिया, स्पेंट ऑन फुटबॉल 9,000। अब आपको मालूम है 9,000 जो है वो 45 डिग्री है, 45 से डिवाइड करेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री तो 200। बोलता क्रिकेट पे कितना खर्च हुआ, क्रिकेट पर 160 डिग्री इनटू 160 डिग्री, देखिए जरा 16 टू 10। बोलता फुटबॉल पे 9,000 रुपीज, डिग्री कितना था 45, ये तो हम डिवाइड कर चुके हैं 200, 1 डिग्री आ गया। स्पेंट ऑन ऑल द स्पोर्ट्स, ऑल द स्पोर्ट्स मतलब 360 डिग्री, 36 टू 72,000, राइट, कितने आसानी से सॉल्व किया, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है।